मुंबई के साकीनाका इलाके में जिस महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और जिसके साथ बहुत बुरी तरह से निर्ममता से उसके साथ मारपीट की गई, उस महिला ने आखिर दम तोड़ दिया। इसी राजावाड़ी अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। करीब 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक इलाज चला और खून ज़्यादा बह जाने की वजह से महिला की मौत हो गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौत होने के बाद लगातार हंगामा हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने हंगामा किया। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए कहा है और जल्द से जल्द जो चार्जशीट है वो दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मोहन चौहान नाम का शख्स इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है। घटना जो है शुक्रवार की रात की है, जब मोहन चौहान नाम के शख्स द्वारा एक महिला को बुरी तरह से पीटा गया, उसके साथ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया और तत्काल ये जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला, क्योंकि लगातार उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहे थे, जानकारी के मुताबिक कोई जो है धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला हुआ और फिर एक सरिया उसके प्राइवेट पार्ट में डाला गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और जब इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। साल 2012 में इसी तरह की दरिंदगी हमने दिल्ली में देखी, जिसमें जो है निर्भया की मौत हो गई और निर्भया के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी की सज़ा हुई। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहन चौहान के खिलाफ भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तमाम लोग हैं, वो लगातार जो है मौत की सज़ा की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और पुलिस जांच करने में जुट गई है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।